नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। चक्रवाती तूफान फोनी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कल दोपहर बाद से स्थिति सामान्य होने की संभावना। पांचवें चरण के तहत प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार अभियान अंतिम चरण में, कल थम जाएगा प्रचार का शोर। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट सौंपी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान फोनी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। गोपालगंज, सीवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, कैमूर, वैशाली, जहानाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर सहित उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश की खबर है। पटना और आसपास के इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चलने और बादल छाने से दोपहर में अंधेरा छा गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने आकाशवाणी को बताया कि चक्रवाती तूफान फोनी के कारण बने दबाव क्षेत्र का प्रवेश प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से हुआ है, जिस कारण किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका, भागलपुर, सुपौल और सहरसा में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। साथ ही इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि कल दोपहर बाद स्थिति सामान्य होने का पूर्वानुमान है। इधर आज सबसे अधिक 144 मिलीमीटर बारिश किशनगंज जिले के गलगलिया में दर्ज की गई। ठाकुरगंज में 38.4, तैयबपुर में 31.2, बगहा में 12 और वाल्मीकिनगर में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर चक्रवात से प्रभावित होने वाले विभिन्न जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शेखपुरा जिले में अंचल और प्रखंड कार्यालयों के कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान के ओडिशा से होकर गुजरने के बाद पुरी, भुवनेश्वर और जगतपुर सिंह में भारी बारिश हो रही है। पूर्व मध्य रेलवे ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्वी भारत और दक्षिण भारत जाने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पटना से खुलने वाली पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस और नई दिल्ली से खुलने वाली नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है। कल वापसी में नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं पुरी से खुलने वाली पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन भी कल रद्द रहेगी। पटना हवाई अड्डे से बेंगलुरु और कोलकाता जाने वाली सीधी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। 6 मई को पांचवें चरण के तहत प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस चरण के तहत सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों के लिए कल शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस सिलसिले में आज मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा उम्मीदवार अजय निषाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने देश के सबसे उपेक्षित तबकों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और श्रमयोगी मानधन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से देश की तस्वीर बदल रही है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी के पुपरी और भूथी में महागठबंधन उम्मीदवार अर्जुन राय के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए लोगों से परिवर्तन के लिए महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मुजफ्फरपुर में एनडीए उम्मीदवार अजय निषाद के पक्ष में रोड शो कर समर्थन की अपील की। श्री मोदी ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के बिठोली गांव में एनडीए उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा विकास के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से प्रदेश के हर गांव में 2400 घंटे बिजली मिलने लगेगी। इसी लोकसभा क्षेत्र के लालगंज में लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रोड शो कर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की।
भाजपा की वरिष्ठ नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के केसरिया में भाजपा उम्मीदवार राधामोहन सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि श्री सिंह के नेतृत्व में किए गए कामों के कारण किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। भाजपा नेत्री ने पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल के पक्ष में भी चुनाव प्रचार किया। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब क्षेत्र के फतुहा में, रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र में, आरके सिंह ने आरा में और अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने पालीगंज में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के नानपुर में राजद प्रत्याशी अर्जुन राय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने सीतामढ़ी के नानपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राष्ट्रवादी चेतना पार्टी के राम निरंजन राय ने दानापुर और मनेर विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में समर्थन की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मधुबनी लोकसभा सीट पर इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। इस संसदीय क्षेत्र से दो महिला समेत 17 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मधुबनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 6 मई को चुनाव होंगे। महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी के बद्री कुमार पूर्वे को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो एनडीए की ओर से निवर्तमान सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक कुमार यादव को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर शकील अहमद इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में है। उन्हें भाकपा और जन अधिकार पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। मधुबनी जिले को बाढ़ सुखाड़ से बचाव, जयनगर दरभंगा बड़ी रेल लाइन का दोहरीकरण, लोगों को रोजी रोजगार का साधन उपलब्ध कराना, लोक चित्रकला का समुचित विकास लोगों के प्रमुख मांगों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से अमरनाथ आनंद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक के जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका गृह परिसर की खुदाई के दौरान मानव अस्थि अवशेष मिले हैं, साथ ही इसमें बालिका गृह में हुई मौतों की जांच जारी रहने की बात कही गई है। पूर्णिया जिले के खजांची हाट थाना क्षेत्र में पिछले दिनों स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा के भाई शंकर कुशवाहा पर गोली चलाने के आरोपी मिट्ठू सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। शंकर कुशवाहा पर हमले के बाद मिट्ठू सिंह को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बुरी तरह पीट दिया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिजनों ने इस मामले में 3 नामजद सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान फोनी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कल दोपहर बाद से स्थिति सामान्य होने की संभावना। पांचवें चरण के तहत प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार अभियान अंतिम चरण में, कल थम जाएगा प्रचार का शोर। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट सौंपी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The extremely severe cyclonic storm Foni is likely to continue to move north-northeastwards
and weaken further to a severe cyclonic storm. During the next 9 hours, it is likely to emerge into Gangetic, West Bengal by early tomorrow morning. A red alert has been issued in coastal areas and fishermen have been asked not to venture into the sea. The storm left a trail of destruction after making landfall in Odisha's Puri district this morning. Thousands of trees, electric poles were uprooted and thatched houses destroyed at some places including Bhubaneswar and Jagat Singhpur. At least 3 persons were died in the state under the impact of the extremely severe storm. It triggered heavy rainfall coupled with high velocity winds of 175 to 200 km per hour. Torrential rain occurred in several parts of the state, including Puri, Bhubaneswar, Khurda, Ganjam, Jagat Singhpur. Puri town and adjoining areas were submerged as heavy downpours battered the entire coastal belt. The state government undertook a massive operation and evacuated around 11 lakh people to safety in 13 districts and have been accommodated in over 4,200 shelters, including 880 specially designed cyclone centres. Talking to AIR, NDRF Director General said 81 teams of NDRF have been deployed along the affected coastline. Several teams have been put on standby in Odisha, West Bengal and Andhra Pradesh. The Indian Coast Guard and the Navy have deployed ships and helicopters for relief and rescue operations. Army and Air Force units in the 3 states have also been put on standby. In Bangladesh, the authorities evacuated over 5 lakh people from its southwestern districts as cyclonic storm Foni is drawing closer and is likely to hit the country late tonight. Bangladesh Met Office spokesman Omar Farooq said the cyclone is likely to enter Bangladesh through Khulna coastlines and will take the entire night to cross the country. Prime Minister Narendra Modi has assured the country that river water going to Pakistan will be diverted to Indian fields. He was addressing a public rally in Sikar, Rajasthan today. He said every citizen is important for BJP and accused Congress of using sections of society as a vote bank. He said the government has provided reservation to economically backward classes without disturbing reservation to backward classes so that everyone benefits from development. Congress President Rahul Gandhi has said that Nyay scheme will jumpstart the country's economy. He was addressing an election rally in Rewa district of Madhya Pradesh. Mr. Gandhi said the scheme will enable people to put money into their bank accounts and also spend it, adding that this power was taken away from the people by steps like demonetization and GST. In Jammu and Kashmir, Pakistan violated ceasefire on the second consecutive day today, targeting Indian forward posts and civilian areas along the line of control in Kasba sector of Poonch district. A defense spokesperson told AIR that Pakistan initiated unprovoked ceasefire violation at about 1600 hours by firing of small arms along the line of control in Kasba sector. Indian Army retaliated befittingly. No loss of life or property was reported on Indian side in the exchange of fire. The Congress today accused the NDA government of running away from real issues and failing to fulfill people's aspirations. Briefing media in New Delhi, senior party leader Anand Sharma said, voters, especially the youth, are unhappy with the present government because of unemployment. He said the government did not do much for the welfare of farmers and the downtrodden. Mr. Sharma also alleged that there has been a sharp increase in the incidence of terrorism, and still the Prime Minister claims that there were no major terror attacks. The Supreme Court today agreed to hear next week a review plea filed by 21 opposition leaders seeking further increase in random matching of VVPAT slips with EVMs in the ongoing general elections. The Apex Court had on 8th of April directed the Election Commission to increase random matching of VVPAT slips with EVMs in 5 polling booths per assembly segment from 1 booth. The Pakistan government has issued an official order to freeze the assets of Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar and impose a travel ban on him after the UN declared him a global terrorist. And that is the end of this news bulletin.